नमस्कार कृषि खबर आपनक स्वागत दिन शिक्षक गुरुत्वपूर्ण कृषि खबर सहित इसीडत मैं पंकज खनिकर कृषि खबर पावर्ड बाय स्टील इंडिया। मरीगाव जिला कृषि कार्यालय उद्योग इंटरस्टेट एक्सपोर्ट भिजिट अनुष्ठान मेघालय 35 कृषक और कृषि विषय प्रशिक्षण प्रेरण। नलबारी आरम्भ क्षेत्र भ्रमण कार्यसूची बुधवार 70 जन कृषक अत्याधुनिक कृषि जंत्र व्यवहार प्रशिक्षण। निबनुआ युवक युवती भल खबर उद्यान शस्य उन्नत कृषि पद्धति खाद्य संसाधन विषय जिला भित्तित दिव प्रशिक्षण। बंध नहय नामरूपर हार कारखाना स्पष्ट करिले केन्द्र रासायनिक और हार मंत्री मनसुख मांडुनियाय। गोलाघाट ट्रिपल मार्डार घटनार बुज मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा फास्टेग आदालत विचार हब घटनार। लोकसभा बीजेपी सरकार विरुद्ध अनास्था प्रस्ताव दाखिल। मणिपुर घटना सन्दर्भ मोदी आलोचना नबहार अनास्था प्रस्ताव दाखिल विरोधी। नगाव बगा चाउल कला बेहे 800 क्विंटल अवैध चाउल सह चार आटक। आग बढ़ी मजल मरीगाव जिला कृषि कार्यालय उद्योग CSS आत्मार उद्योग शुभारम्भ इंटरस्टेट एक्सपोर्टार भिजिट अनुषान। मंगलबारे इंटरस्टेट एक्सपोर्टार भिजिट अनुषान सहित संगति राखी जिला कृषक और विभाग विषय कर्मचारी एट 35 दले उपस्थित है सुबुरी राज्य मेघालय। दुदिनिया कार्यसूची सम्पन्न हबलगिया भ्रमण कार्यसूची प्रथम दिना कृषक शिलंग अवस्थित केन्द्रीय आलू गवेषणा प्रतिष्ठान परिदर्शन कर। सहकारी कृषि संचालक तपन कुमार बर्मा और आत्मार जिला नोडल विषया मुजाहिद फारूकी नेतृत्व जो दलटूक परिदर्शन समय CPRI प्रेक्षागृह आलू खेती सन्दर्भ कारिकरी प्रशिक्षण आगवा है। प्रशिक्षणकाल CPRI विज्ञानी कृषक आलू खेती सठिक पद्धति और आधुनिक उन्नत प्रजाति आलू खेती कर कृषक किदरे अधिक उपकृत हो पारे आदि विषय प्रशिक्षण प्रदान कर। राज्य अन्य प्रानर नलबारी आरम्भ क्षेत्र भ्रमण कार्यसूची बुधवार नलबारी जिला कृषि विभाग उद्योग एट 70 कृषक गोटक अत्याधुनिक कृषि जंत्रपाति व्यवहार में कृषि कार्य आगे नियार प्रशिक्षण प्रदान कर। प्रशिक्षणकाल कृषक जिला भिन्न प्रानर अत्याधुनिक जंत्र व्यवहार कर खेती कर कृषक पथारे पथारे गई प्रशिक्षण प्रदान कर। कृषि क्षेत्र अत्याधुनिक जंत्र व्यवहार कर उपार्जन दुगुण के विषय प्रशिक्षण प्रदान कर। राज्य उद्यान शस्य जड़ित कृषक शिक्षित निबनुआ युवक युवती और नार्सारी जड़ित व्यक्ति भल खबर। भारत सरकार उद्यान शस्य अभियान आँचन अधीन उद्यान शस्य उन्नत मान कृषि पद्धति और खाद्य संसाधन विषय जिला भित्तित प्रशिक्षण व्यवस्था कर। प्रशिक्षण लाभ आग्रह महकुमा तथा स्थानीय कृषि विषयार जोाजोग आहान जाना राज्य उद्यान शस्य तथा खाद्य संसाधन संचालकालय। बंध नहय नामरूपर हार कारखाना। मंगलबारे एक कथा स्पष्ट करिले केन्द्रीय रासायनिक और हार मंत्री मनसुख मांडुनियाय। नामरूपस्थित हार कारखाना बंध करार परिवर्ते यह हार कारखानाक आधुनिकीकरण करा हबो बुली जानिबले दिए विभागीय मंत्रीगराकी। साउक ए सन्दर्भत तेओ कि मन्तव्य आगबढ़ाइछिल। मुझे आज सर्वानंद सोनवाल जी प्रत्यक्ष मिले थे, माननीय मुख्यमंत्री आसाम का भी मुझे कॉल आया था और मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ कि आसाम में BBFCL का फर्टिलाइजर का प्लांट बंद नहीं किया जाएगा, उसके अलावा उसको मॉडर्न किया जाएगा। आज पुवा गोलाघाट ट्रिपल मार्डार घटनार बुज तोले मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा। गोलाघाट उपस्थित हुई मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा भुक्तभोगी परियाल साक्षात करार लगते हत्यार बलि हुआ हंगामिता घोषर भग्नी अंकिता घोषक साक्षात करे। समग्र घटनार बुज लो संबाद माध्यम आगत केतबोर गुरुत्वपूर्ण मंतव्य आगे मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंत विश्व शर्मा। मुख्यमंत्री कहे जो 15 दिनों भितर यह घटनार चार्जशीट दाखिल करा हब। क्षिप्रगति चलिसे घटनार तदंत, दुखिया उचित शास्ति पाब, फास्टेग आदालत हब हब घटनार विचार, नियोग करा हब विशेष सरकारी अधिवक्ता। मणिपुरक लो संकट अचलावस्थार मजते कॉग्रेसे लोकसभा नरेन्द्र मोदी नेतृत्वाधीन सरकार विरुद्ध अनास्था प्रस्ताव दाखिल करिले। 20 जुलाई बर्षाकालीन अधिवेशन आरम्भ हुआ पाछर पर मणिपुर सन्दर्भ दुखन सदन उत्तप्त परिस्थिति सृष्टि हो आहिछे। विरोधीये मणिपुर घटना सन्दर्भ प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी मंतव्यर दाबी करिछिल, किन्तु शासकीय पक्षे कैछिल जे तेओंलोके आलोचनार बाबे हाजु, किन्तु मणिपुर सन्दर्भत केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाहे आलोचनात बहिब। तार पछते आजि लोकसभात अनास्था प्रस्ताव दाखिल करिले विरोधीये।
সদনত কেন্দ্রের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব উত্থাপন করবলে কমে 50 জন সাংসদের প্রয়োজন। উল্লেখ্য যে লোকসভা সরকারের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাবকে এক গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হিসাবে গণ্য করা হয়। যদি সংসদের অনাস্থা প্রস্তাব অনা হয় আর সদনের 51% সাংসদে অনাস্থা প্রস্তাবের সপক্ষে ভোট দিয়ে তেতিয়া এই গৃহীত করা হয় আর সরকার সংখ্যাগরিষ্ঠ হেরুয় আর পদত্যাগ করব লাগে। নগাঁওত বগা চাউলৰ কলা বেহা প্রায় 800 কুইণ্টেল অবৈধ চাউল জব্দ। চাউলৰ লগতে আটক করা হয়েছে 4 জনকৈ ব্যক্তিক। এই সন্দৰ্ভত সামাজিক মাধ্যমত মন্ত্রী ৰঞ্জিত বৰাই কৰিছে এটা পোষ্ট। পুনৰ জনাইছো, নগাঁওত বগা চাউলৰ কলা বেহা প্রায় 800 কুইণ্টেল অবৈধ চাউল জব্দ। চাউলৰ লগতে আটক করা হয়েছে 4 জনকৈ ব্যক্তিক। এই সন্দৰ্ভত সামাজিক মাধ্যমত মন্ত্রী ৰঞ্জিত বৰাই কৰিছে এটা পোষ্ট। অৱশ্যে পোষ্টটোত অবৈধ চাউলৰ লগত কোন জড়িত আছে সেই বিষয়ে কোনো ব্যক্তি অথবা প্রতিষ্ঠান লাভ উল্লেখ করা নাই মন্ত্রীগাকে। কৃষি খবর আজিলে ইমানে শেহতীয়া কৃষি সম্পর্কীয় খবর বাইরে চাই থাকক আমার চ্যানেল কৃষি জাগরণ। ধন্যবাদ।